का रिजल्ट आ चुका है, इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर असिस्टेंट का, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है वो धर्मपाल करके हैं, ठीक है, और ये एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल की रैंक फर्स्ट आई है, ठीक है। तो रैंक वाइज है ये सारे नाम आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे है महेंद्र प्रताप यादव, ठीक है, और इनके जो नंबर आप देख सकते हैं, जैसे हाईएस्ट नंबर जो इसमें गए हैं जनरल में 255 गए हैं, ठीक है। अब इसी हिसाब से जैसे कि डिफरेंस आप देख सकते हो दो तीन, और देखिए जो 249 पे तो तीन कैंडिडेट हैं, मनजीत सिंह राणा, पंकज सिंह एंड गगन प्रताप, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि आकाश कुमार, दीपक वर्मा, अभिषेक यादव, हर्ष वर्मा, मोहम्मद शाहिद जमाल, ठीक है, सौरभ खरे, हरिओम शर्मा, ललित कुमार त्रिपाठी और ऋषिकेश कुमार एंड वरुण यादव, ये सारे 15 कैंडिडेट और भी हैं क्या, ठीक है, और भी कैंडिडेट हैं, ठीक है। ये सारे एज ए जनरल ही मतलब जनरल सेलेक्टेड हुए हैं, जैसे कि इनके जनरल है ना, जनरल में ही ये सारे का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इनके नंबर अच्छे आए होंगे इसलिए याद आए, अभिनय यादव, ठीक है, अभिषेक कुमार पांडे, रवि कुमार, मुकेश यति, आशीष प्रकाश, शमीर कुमार यादव, प्रशांत विश्वकर्मा, अमित कुमार रोशन, अमित कुमार, रोशन कुमार, ठीक है, दीपक सिंह कुशवा, अनिरुद्ध पाल, दीपक कुमार सैनी, अंकित सत्संगी और ममता यादव, विवेक प्रताप, अभिषेक सोनी, अमित कुमार सिंह, ठीक है। नेक्स्ट बस यहाँ तक खत्म हो गए, और भी हैं, ये भी सारे यूआर में ही हैं, ये भी सारे कैंडिडेट यूआर में ही हैं। नेक्स्ट है हिमांशु द्विवेदी, इसमें भाई आप लोगों का किसी का भी अगर नाम आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में केवल अपना नाम नहीं लिखना है तो कह देना यार यस, ठीक है, आई एम सेलेक्टेड, ठीक है, तो वो लिख देना। हिमांशु द्विवेदी, हर्ष अग्निहोत्री, चंदन कुमार, स्मिया मौर्य और प्राची सिंह और कंचन पटेल, ज्योति सिंह, सत्यजीत कौर और सोनिका कुमारी, सुषमा कुमारी, अलका यादव। अब यहाँ से थोड़ा चेंज हो चुका है, ये डब्ल्यू कैटेगरी, यूआर की डब्ल्यू कैटेगरी से हैं, कहाँ से, ये शिप्रहा मौर्य से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो यूआर डब्ल्यू कैटेगरी में है ना, इसमें हुए। अब ये सारे कैंडिडेट है ना, ये ओबीसी के हैं, सॉरी ईडब्ल्यूएस के हैं, तो ये सारे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ से लेके आप देख सकते हो, है ना। जैसे कि इसमें जो रैंक फर्स्ट है वो समीर तिवारी की है ना, और इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 228 है, और इसमें जो टोटल कैंडिडेट हैं कितने सेलेक्ट हुए हैं, 13, अच्छा, सॉरी यहाँ से रैंक यहाँ से चेंज हो चुकी है, इसमें कुल 12 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं। मैं नाम अगर बोल दे रहा तो होपफुली आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। समीर तिवारी, उद्धव पाठक, आदर्श विक्रम सिंह, शरद कुमार, आदित्य कुमार शर्मा, शिवम शुक्ला, अतुल त्रिपाठी, अरुण कुमार मिश्रा, अजय राज सिंह, नागेश कृष्ण द्विवेदी, विपिन दीनानाथ तिवारी एंड विनय कुमार सिंह, ठीक है। तो ये सारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। अब ओबीसी में जिन्हें रैंक फर्स्ट गेन करी है वो है राजू यादव, अनूप कुमार गुप्ता, अनूप कुमार गुप्ता ओबीसी पता नहीं ये कैसे होगा, गौरव सिंह, विकास पटेल, वशु चौधरी, जितेंद्र सिंह, सावेज हुसैन, विवेक यादव, कौशल कुमार मौर्य, अमित यादव, आनंद कुशवाहा और आशीष कुमार, आशीष राठी, पार्थ यादव, सचित कुमार, प्रवीण कुमार, दीपक कुमार, हर्षित रावत, सब्बीर अहमद, विशाल वर्मा, संदीप कुमार यादव, मनोज कुमार, भानु प्रताप सिंह और मनोज कुमार, ठीक है, फिर से मनोज कुमार 24 नंबर पे, ये भी ओबीसी के सारे कैंडिडेट, विष्णु चाहर, संजीव कुमार, अभिषेक कुमार मौर्य, सूरज राठी, शिवम साहू, अभिनय विक्रम विश्वकर्मा, अंकित यादव, सबानाम, ममता यादव, प्रियंका। तो ये सारे कैंडिडेट, ये 34 कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्टेड हुए हैं। तो जो ओबीसी कैटेगरी में जो सबसे हाईएस्ट नंबर गए हैं वो 228 गए हैं, ठीक है। बाकी तो जो भी इससे हाईएस्ट अगर गए होंगे वो सारे यूआर में चले गए होंगे, ठीक है। ऐसा ही ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सभी में होता है। बात करते हैं जो नेक्स्ट लिस्ट है वो एससी कैटेगरी की है। तो इसमें कुल कितने कैंडिडेट चले गए, 23 इसमें सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। रोहित सिंह, प्रबल प्रताप सिंह, नीरज कुमार, ऋषि कुमार, अंकुश कुमार और अखिलेश कुमार, सुमित कुमार गौतम, मनीष कुमार, धर्मेंद्र, विवेक कुमार, कुलदीप, निशा कुमारी गुलशन, आदित्य और सुधीर कुमार, राहुल वर्मा, देवाशीष गौतम, अविनाश रविदास, देवानंद, ठीक है, अनन्या गौतम, देवानंद भाई मस्त नाम है आपका, किरण कुमारी, मुस्कान एंड सोनम कुमारी। तो ऑल ऑफ यू कैंडिडेट कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। इसमें मैं बात कर दूँ आपको, जैसे एससी में हाईएस्ट 225 गया है, अच्छा स्कोर जा रहा है, बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है, किसी भी कैटेगरी से नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। और यूआर में मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक ज़्यादातर ओबीसी कैटेगरी बिलोंग कर, मतलब राज कर रही है वहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर एक तरीके से देख लिया जाए तो जो ओबीसी का जो मतलब कैटेगरी में है ना, बहुत हाई रैंक जा रही है, बहुत हाई, मतलब जनरल काफ़ी पीछे है उसमें, अगर देखा जाए, अगर टोटल भी देख लिया जाए तब भी कम है, है ना। तो टोटल अब जैसे कि जो एससी में 165 लोवेस्ट है एंड मैक्सिमम 225 है, ठीक है। और तो मैंने इन सभी की मैंने आपको बताई दी है। तो ओवरऑल इतने सारे कैंडिडेट्स में सेलेक्ट हुए, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और हाँ, डीवी के लिए आप लोग जानना, जो भी आपके रिगार्डिंग अगर है, ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, अगर आपने पिछली वीडियो मैंने देखी होगी तो मैंने आपको कुछ क्लेरिफिकेशन कर दिया था, है ना। और
जो भी कुछ अपडेट आती है आपके इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग डीवी के रिगार्डिंग,